आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम। मैं अखिलेश पाठक, कैंट विधानसभा के संत रविदास मंडल का उपाध्यक्ष, इस काशी के अपने भाजपा परिवार की तरफ से और काशी की जनता की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके स्वास्थ्य और आपके दीर्घायु होने के लिए ईश्वर से कामना करता हूं। प्रधानमंत्री जी, पिछले 5 साल में हमने देखा है बनारस में विकास के अनगिनत कार्य हुए हैं, बिजली से लेकर पानी तक, सड़क से लेकर स्वच्छता तक तमाम कार्य हुए हैं, जिसे यहाँ की जनता महसूस भी कर रही है। प्रधानमंत्री जी, यहाँ पे काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है आपके द्वारा, जिसको लेकर के यहाँ की जनता बहुत खुश है। हम ये जानना चाहते हैं कि इसको लेकर के आपका विजन क्या है और ये प्रोजेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। धन्यवाद। वहाँ मौजूद हमारे विधायक भाई सौरभ श्रीवास्तव जी, बैठिए सौरभ जी, बैठिए। आदरणीय प्रधान सभा जी को सादर चरण स्पर्श। वाराणसी कैंट विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रकाश पर्व दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम कार्यकर्ता बड़े ही आश्चर्य में हमेशा रहते हैं कि हम एक सांसद को वोट नहीं करते, हम प्रधानमंत्री को वोट करते हैं, प्रधानमंत्री को सीधे जिताते हैं। और आप एक इतने बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, पूरे राष्ट्र को देखते हैं और इस समय तो आप पूरे विश्व को दिशा देने का काम कर रहे हैं। हमें आश्चर्य इस बात का होता है कि इतना सब कुछ करते हुए आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए इतना अधिक समय कैसे निकाल लेते हैं कि यहाँ की एक एक बात की आपको खबर रहती है और हमसे पहले आप चिंता कर लेते हैं। आज प्रकाश पर्व दीपावली पे सिर्फ 2 मांग कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। एक, देव दीपावली पर आपका दर्शन हो जाता, आप देव दीपावली पे काशी आ जाते, और दूसरा, आप अपने राजनीतिक जीवन के लिए रिटायरमेंट की कोई सीमा मत रखिए, आप जब तक स्वस्थ है तब तक आप काम करते रहिए। हम सभी कार्यकर्ता जीवन भर आपकी छाया के नीचे काम करना चाहते हैं। धन्यवाद भैया, बैठिए बैठिए। चलिए, सभी प्रमुख लोग मुझे नजर आ रहे हैं, आप सबको भी नमस्कार है मेरा। देखिए, ये हमारे अखिलेश जी ने बताया कि ये काशी विश्वनाथ धाम मैं बना रहा हूं। ये सच नहीं है कि मैं नहीं बना रहा हूं, ये काम हम में से कोई नहीं कर सकता, ये काम तो खुद काशी विश्वनाथ बाबा कर रहे हैं, बाबा की कृपा से हो रहा है, हम कौन होते करने वाले। ये सब भोले बाबा के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। और आपने मुझे देव दिवाली पर निमंत्रण दिया, मैं आपका आभारी हूं। मेरी तो कोशिश रहती है जितनी ज्यादा बार आपके बीच आ सकूं आता रहूं, आप लोगों से नई नई ऊर्जा लेता रहूं, आपका प्रेम लेता रहूं। मैं देखता हूं आने वाले दिनों में आना तो होगा ही होगा। साथियों, आप सब तो बनारस की गलियों के गवाह हैं, इन गलियों की अपनी खूबसूरती है, उनका अपना महत्व है। काशी की गलियां, ये काशी की आन बान शान है। लेकिन आपने ये भी देखा है कि किस प्रकार बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए इन गलियों से गुजरने में कई बार मुश्किल हो जाती थी, और माँ गंगा के जो दर्शन होने चाहिए उसमें भी रुकावटें होती थी, क्योंकि ऐसे ही एंक्रोचमेंट हो गए, कुछ ऐसी चीजें बन गई। लेकिन अभी हाल में मैंने कुछ वीडियो देखे, लोग जो यात्री वहाँ जाते हैं, जो वीडियो बना करके आजकल सोशल मीडिया पर डालते हैं, और जो श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, वे इसको दुनिया भर में प्रचारित करते हैं। और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर से और वहाँ जो बदलाव आ रहा है उसके प्रति
वहां जो यात्री आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, वे जब खुशी व्यक्त करते हैं तो मुझे एक बहुत अच्छा संतोष मिलता है, समाधान मिलता है। काशी के लोग खुश हैं, देश के लोग भी खुश हैं। अब बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से काशीवासियों ने जो संकल्प लिया है उससे न केवल बाबा भोलेनाथ के भक्तों को आसानी से होगी, लेकिन वो उनके उनके दिव्यता की, भव्यता की एक अनुभूति भी होगी। और साथियों, इतना बड़ा कार्य सिर्फ सरकार या प्रशासन की वजह से संभव नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें करीब 300 परिवारों ने अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को सौंपकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी आज लगभग 40,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में जो निर्माण हो रहा है वो सभी काशीवासियों के सहयोग के बिना कैसे संभव हो सकता था, और इसलिए वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस प्रक्रिया में जो दर्जनों प्राचीन मंदिर जो कहीं दबे पड़े थे, छुपे पड़े थे, आगे दीवारें बन गई थी, मकान बन गए थे, ये सब बाहर निकल करके आए, और इसके कारण एक नई काशी की पहचान हुई, नई समृद्ध काशी की पहचान हो गई। और अधिकतर लोगों को अब पता चला है कि काशी बाबा अकेले नहीं, पूरा बाबा का दरबार वहां मौजूद है। कितना बड़ा भव्य रूप देखने को मिलता है। आप सब जानते हैं कि बनारस की पहचान काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का बीड़ा करीब 250 साल पहले अहल्या देवी जी ने उठाया था। अहल्या देवी जी के बाद इतना बड़ा काम बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें उस पवित्र कार्य में जुड़ने का अवसर मिला है। साथियों, से मंदिर सिर्फ भगवान की पूजा के स्थल नहीं होते, बल्कि वे हमारी आस्था के केंद्र होते हैं, हमारे भक्ति भाव के सेंटर होते हैं, और वो हमारी सामाजिक चेतना के भी केंद्र होते हैं। चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या कोई भी अन्य मंदिर, यहां आकर हर किसी के मन में एक पॉजिटिविटी का संचार होता है, और यही वजह है कि हमारी सनातन संस्कृति मंदिरों में का एक बहुत बड़ा महात्म्य भी है। आप सब तो काशीवासी हैं, और आपसे अधिक इस बारे में कौन जान सकता है कि काशी में रहने वाले और आने वाले श्रद्धालु के मन में सबसे बड़ी लालसा बाबा के दर्शन का होना बहुत स्वाभाविक होता है। अब काशी आने वाले लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ के बीच मार्ग को और सुगम बनाया जा रहा है, इससे अधिक खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो मैं फिर से एक बार इस प्रकार के अनेक कामों को, चाहे हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करना हो, उनका पुनरुद्धार करना हो, आधुनिक निर्माण कार्य करना हो, विश्व के लोगों को आकर के काशी के इतिहास के विषय में पता चले, उसकी सांस्कृतिक विरासत के परिप्रेक्ष्य में पता चले, वहां हेल्थ की दृष्टि से एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित हो, शिक्षा का केंद्र तो महामना जी के समय से बहुत बड़ा चला है, अब आरोग्य की भी व्यवस्थाएं हो, रोजगार के लिए हमारे गांव समृद्ध हो, इन सारी दिशा में हम प्रयास करना चाहते हैं। हम देखे हैं मान महल, मुझे बताया गया कि दिनों दिन मान महल में भी विजिटर्स की संख्या बढ़ रही है। जो वर्चुअल म्यूजियम बनाए, मैं जब देखने गया था, मैं सचमुच में बहुत प्रसन्नता था। तो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर के नए नए विचारों को लेकर के आगे बढ़े, और बहुत सपने जो हर काशीवासी का है उसको पूरा करने के लिए हम सब प्रयास करें।